हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाइपर राइडर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ होंडा की एक्टिवा 125 BS6। तो सबसे पहले मैं आपको इसका वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो कुछ ऐसी लुक हमें इसके फ्रंट से दिखती है। यहीं ये राइट साइड से हमें कुछ ऐसी देखने को मिलती है। ये इसका बैक का पोर्शन है और वहीं लेफ्ट साइड से हमें कुछ ऐसी ये स्कूटी देखने को मिलती है। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट साइड से। तो सबसे पहले इसके हेड से हम शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें शाइनी ब्लैक कलर में फाइबर में इसका छोटी सी एक विंडशील्ड दी गई है। यहीं पे हमें इस बाइक में भी हैलोजन बल्ब भी हमें प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें अभी तक कोई भी LED हमें नहीं दी गई है। वहीं हम नीचे आते हैं तो ये हमें होंडा की स्टिकरिंग और ये सिल्वर कलर में ये एक्टिवा कुछ ऐसी दिखती है। वाइट में तो आपने काफ़ी जगह देखी होंगी, मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिल्वर कलर। और होंडा कंपनी ने इसमें काफ़ी भर भर के क्रोम का यूज़ किया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रोम की इसमें एक नोज़ लगाई गई है, जो कि आप मुझे भी इसके अंदर देख सकते हैं कितनी रिफ्लेक्टिव है। और ये पार्ट में फाइबर में दिया गया है। वहीं हम थोड़ा नीचे चले तो ये इसका मड गार्ड और आप जैसे बम्पर बोल सकते हैं, तो ये वो है। और ये हमें मेटल में दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब हम इसके नीचे से बात करते हैं। ये हमें मड गार्ड पे सबसे पहले हमें यहाँ पे दोनों साइड रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, जो कि रात एक काफ़ी अच्छा फीचर्स है। रात को दूसरी किसी और व्हीकल को हमारा व्हीकल दिख जाता है। वहीं पे हमें अब हम इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे दिए गए हैं। नीचे की तरफ आए तो इसमें स्टील रिम्स हमें प्रोवाइड करे जाते हैं ड्रम ब्रेक के साथ। और ये बाइक हमें MRF के टायर प्रोवाइड कराती है, जो कि आप देख सकते हैं। और टायर साइज इसमें हमें दिया गया है 90 90 12 90 बटा 90 12 12 इंच के हमें इसमें टायर प्रोवाइड किया गया है। और ये CBS यूनिट के साथ आती है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ऐसा था कुछ लुक इसका फ्रंट साइड से। अब हम चलते हैं इसके लेफ्ट साइड में। तो जैसा मैंने आपको बताया था, कंपनी ने इसमें क्रोम का काफ़ी यूज़ किया गया है। तो साइड पैनल पे भी आप देख सकते हैं ये क्रोम की स्ट्रिप दी गई है। इसके ऊपर एक्टिवा 125 की बैजिंग हमें दी गई है और ये है सिल्वर कलर में। वही हम थोड़ा और नीचे आए तो हमें इसका एक फुट रेस्ट सिल्वर कलर में ही प्रोवाइड किया गया है, जैसा आपने देखा था कि एक्टिवा में ब्लैक कलर का था। और ये भी उसी की तरह बॉडी में इंटीग्रेट हो जाता है। और यहाँ पे डुअल टोन फिनिश देने की कोशिश की गई है, जैसे यहाँ पे आपको ये ब्लैक शर्ट्स यहाँ पर और स्कूटरी में यहाँ पर भी आपको ब्लैक कलर दिया गया है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ आपसे सिल्वर में चीज़ दी गई है। जैसे मैं पास ले जाके दिखाऊं तो आपको ये स्पार्कल्स दिख सकते हैं इसमें इजीली। तो ये बाइक जैसे ही आप धूप में ले जाओगे, बाहर ले जाओगे, तो ये कलर काफ़ी शाइनी होगा और अब दूर से आपको दिख जाएगा। यहीं अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें ESP की बैजिंग दी गई है, जो कि होंडा की तरफ से एक साइलेंट स्टार्ट फीचर हमें इसमें प्रोवाइड किया गया है। और ये साथ में हमें हाइड्रोलिक स्प्रिंग कोयल सस्पेंशन दिया गया है, जो कि 3-स्टेप एडजस्टेबल है। ये भी सॉफ्टर साइड पर ट्यून है, तो आपको ये काफ़ी कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड कराएगा। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो ये 125 cc का इंजन है, जो कि हमें पावर प्रोवाइड करता है 8.18 bhp, 8.18 bhp की, और टॉर्क हमें प्रोवाइड करता है 10.3 न्यूटन मीटर का। वहीं इसमें कोई भी हमें गियर कहीं भी देखने को नहीं मिलते, तो इसके अंदर हमें ऑटोमेटिक CVT प्रोवाइड किया गया है। ये काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड इंजन है, जो कि हमें 90+ किलोमीटर पर आवर की स्पीड इजीली प्रोवाइड कर सकता है। और जैसे ये 125 cc का इंजन है, तो ये हमें 47 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज प्रोवाइड करने में सक्षम है। बाकी आपकी ड्राइविंग के ऊपर
डिपेंड करता है कि आप अगर कंफर्टेबल और काफ़ी स्मूथ राइड करते हैं तो आपको 50 किलोमीटर तक की माइलेज इजीली निकाल के दे देगा। और ये इंजन फैन कूलिंग सिस्टम के साथ आता है, क्योंकि एयर कूल्ड ये नहीं बन सकता, क्योंकि सामने से कहीं भी इसको हवा लगने के लिए जगह नहीं मिलती, तो इसमें फ़ैन कूलिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड किया गया है। और जैसे ही आप नीचे की तरफ देखें तो नीचे हमें प्रोवाइड किया गया है ड्रम ब्रेक, तो इसमें दोनों साइड हमें ड्रम ब्रेक प्रोवाइड कराए गए हैं। अब हम इसके पीछे वाले टायर की बात करें तो ये हमें 90x110, तो आगे वाला टायर हमें 12 इंच और पीछे वाला टायर हमें 10 इंच का प्रोवाइड किया गया है। और इसमें भी MRF के टायर ही हमें प्रोवाइड कराए गए हैं, तो दोनों साइड MRF के टायर लगाए गए हैं, लेकिन पीछे स्पेस कम होने के कारण हमें यहाँ पे 10 इंच का टायर प्रोवाइड कराया गया है। पीछे से हमें स्कूटर का लुक कुछ इस तरह से आता है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक्टिवा की 125 की बैजिंग लाइट के अंदर दी गई है, जो कि इसमें भी एक क्रोम फिनिश का काम किया गया है। वहीं पे बोथ साइड हमें ये बल्ब बेस हैलोजन इंडिकेटर्स दिए गए हैं। और पीछे से देखने पे कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती हैं। वहीं और नीचे हम चले तो जैसे आप नीचे देख सकते हो, तो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है और मैट ब्लैक कलर में एक छोटा सा मड गार्ड दिया गया है, जो कि टेक्सचर जो है, तो आपको ये छोटा सा मड गार्ड पीछे से देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। यहीं अब हम इसके राइट साइड की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये पैनल है और ये हमें फाइबर में दिया गया, जो कि सिल्वर कलर में है। और वहीं पे ये हमें इस साइड भी एक्टिवा की सिल्वर फिनिश में प्लेटिंग दी गई, जिसके ऊपर एक्टिवा 125 को खोद के बनाया गया है, जिससे आप इजीली इसको देख सकते हो। और ये क्रोम स्ट्रिप आपको काफ़ी अच्छी लुक इस स्कूटर में प्रोवाइड कराती है। और यहाँ आप देख सकते हैं वही सिल्वर कलर में हमें इसका साइड फुटरेस्ट दिया गया है। ये नीचे की ओर आए तो हमें ये एक छोटा सा और मोटा सा साइलेंसर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी साइलेंटली कोई आवाज़ नहीं आने देता और इस स्कूटर को राइड करने में काफ़ी हेल्पफुल है। वहीं हम नीचे आए तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा फैन कूलिंग सिस्टम, जो कि मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ये इंजन हमारा ठंडा होता है। और ये जो लिड हमें यहाँ दिखाई गई है, ये इंजन का चेक, इंजन का फ्यूल चेक करने के लिए कि इंजन में अभी कितना इंजन ऑयल बचा है, और यहीं से उसको फिलअप किया जाता है। और VS6 होने के बाद ये पाइप के अंदर हमें ये कैटलेटिक कन्वर्टर दिया गया है, जो कि इसके ऊपर ये कवरिंग की गई है। यही हम इसके मिडल पैनल की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें काफ़ी जगह दी गई है। ये अब मैं आपको और ऊपर से दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हमें पैर रखने के लिए बोर्ड दिया गया है। यहाँ पर काफ़ी स्पेस है और ये जो कटआउट हमें दिए गए हैं, जिससे पैर आराम से टिक जाते हैं, अभी मैं आपको इस पर बैठ के दिखाऊँगा, आपको और ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। वहीं पर यहाँ पर हमें ये हुक दिया गया है, जिसको आप इजीली ऐसे अपने काम में ला सकते हैं। और ये बंद, और यहीं पे जैसे एक्टिवा में हमें सामने कुछ नहीं मिलता था, यहाँ 125 में हमें एक स्टोरेज स्पेस दी गई है, जिसको आप इस तरीके से खोल सकते हैं। यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंटेशन या फिर जैसे आपको कोई भी आने जाने के लिए कोई चीज़ रखनी हो तो वहाँ आप इजीली रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो, और ये अंदर भी काफ़ी डीप है, जैसे आपको दिख रहा होगा। इसको प्रेस किया और ये बंद। वहीं अब हम आपको इसकी कीस दिखा देते हैं। तो ये कुछ इस तरह की हमें देखने को मिलती है, जिसके ऊपर होंडा की ब्रांडिंग दी गई है दोनों ही साइड, और ये दो की हमें देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको इसका इग्निशन सिस्टम भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ये शट करने के लिए, जिससे आप इजीली अपने की स्विच को शट कर सकते हैं। और इसे खोलने के लिए कंपनी ने ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाया है, जिसको आप यहाँ लगा के, यहाँ इस तरह लगा के, और आप इसे खोल सकते हैं, और फिर आप इसे चाबी लगाकर इग्निशन स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं मैं आपको दिखाऊं तो ये ऑफ पे है, अभी ये ऑन पे है, और एक बीच में आप ले जाओगे तो ये फ्यूल और सीट पे है, जो कि आपको ये देखने को मिलती है। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। आप ऊपर प्रेस करोगे इसे तो आपकी फ्यूल लिड ओपन हो जाएगी, और आप नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो ये आपकी सीट ओपन हो जाएगी।
अभी मैं आपको सीट और इसकी फ्यूल लिड दिखाता हूँ। तो ये हमारी सीट ओपन हो चुकी है, तो ये आप देख सकते हैं। वहीं पे मैं आपको दिखा दूँ, ये हमें कुछ स्पेस दिया गया है जिसको हम इसकी डिग्गी बोलते हैं। आप इसमें फुल फेसिंग हेलमेट बड़े आराम से रख सकते हैं। यहाँ इसी के नीचे हमारा फ्यूल टैंक दिया गया है जो कि मैं अभी पीछे दिखाता हूँ। ये साइड में हमें होंडा की तरफ से फर्स्ट एड रखने के लिए छोटी सी किट दी गई है। वहीं हम सीट के नीचे बात करते हैं, तो होंडा ने अपने टूल्स यहाँ सीट के नीचे ही हमें दे दिए गए हैं, जो कि होंडा ने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोग्राम किए हैं। जैसे कि आप इजीली देख सकते हैं, इस तरह से हमें इसके नीचे टूल्स दिए गए हैं। तो आपको बाहर से कोई अलग से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इन टूलों को इसी जगह पर इजीली रख सकते हैं। आप देखो, इसको ऐसे निकाला जा सकता है। ये सीट लॉक करने का सिस्टम है, अभी मैं आपको बंद कर देता हूँ इसे। ये हमारा फ्यूल लिड ओपनर है जो कि इस तरह ओपन होता है, और यहाँ नीचे से आप इजीली इसको यहाँ से खोल के इसमें पेट्रोल डलवा सकते हैं, और इस तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं, और एक बार सिंगल प्रेस में ये हमारा बंद हो जाता है। ये फ्यूल टैंक हमें 5.3 लीटर का दिया गया है, जिसके अंदर 1.3 लीटर की रिजर्व कैपेसिटी है। 1.3 लीटर की रिजर्व इस बाइक के अंदर हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं इसकी सीट की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक काफ़ी अच्छी और बहुत ज़्यादा वाइड सीट आपको देखने को मिलती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल राइड आपको प्रोवाइड कराएगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका फ्रंट कंसोल कि आपको बैठने के बाद एक्टिवा 125 कैसी दिखती है। तो सीट पर बैठने के बाद आपको इस स्कूटर का कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा। तो मैं इसके हैंडल बार से शुरुआत करता हूँ, और लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे बैक ब्रेक, ये पकड़ने के लिए ग्रिप, और यहीं पे हमें लो बीम और हाई बीम का बटन, और इसी के अंदर इंटीग्रेटेड पास स्विच दिया गया है। वही नीचे की ओर हमें इंडिकेटर बटन और ये ऑन बटन हमें प्रोवाइड कराया गया है। यहीं राइट हैंड साइड पे हम बात करें तो ये फ्रंट ब्रेक, ये ग्रिप, और ये हमें सिंगल इंटीग्रेटेड बटन दिया गया है जो कि इंजन किल स्विच, नॉर्मल और सेल्फ स्टार्ट के लिए यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल की। तो इसमें आपको कोई भी डिजिटल कंसोल नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग, ऊपर हमें ये स्पीडोमीटर दिया गया है जो कि एनालॉग है, ओडोमीटर दिया गया है वो भी एनालॉग में दिया गया है, PGMI FI की इसमें ब्रांडिंग दी गई है फ्यूल इंजेक्शन की। ये जो आपको दो कटआउट दिख रहे हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, सिर्फ इनके अंदर सिर्फ इंडिकेटर्स के लाइट दी गई कि आपका कौन सा इंडिकेटर अभी जला हुआ है, लेफ्ट या राइट। वहीं अब हम बात करते हैं, इसमें फ्यूल मीटर है वो भी हमें एनालॉग ही दिया गया है। यहाँ पर हमें हाई बीम का इंडिकेटर दिया गया है, और इस साइड हमें इंजन माल फंक्शन का इंडिकेटर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं इस पर बैठा हूँ तो मैं अपने दोनों पैर रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पैरों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो कि आप ईजिली, और ये जो कटआउट है इसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा स्पेस पैरों के लिए देखने को मिलता है। वरना आप ऐसे पैर रख के बैठते, अब आप इसको और आगे रख के और काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से अपराइट बैठ के इसको चला सकते हैं। तो इस स्कूटी के अंदर हमें कर्व वेट दिया गया है 111 किलो, जो कि काफ़ी लाइट वेट है। और सीट हाइट की बात करें तो सीट हाइट हमें इसमें दी गई है 712 mm, जो कि काफ़ी कम है, इसको 5'2" 5'3" के राइडर इजीली चला सकते हैं। और गर्ल्स के लिए तो कभी कोई भी स्कूटरी प्रॉब्लम करती नहीं, क्योंकि चाहे वो कितनी भी ऊँची हो या नीची हो, क्योंकि लड़कियों को तो पैर ऊपर रखने नहीं, ना इस पर बैठना, ये तो बिल्कुल आगे कोने पर बैठ के इन्हें ड्राइव करती हैं, तो उनके लिए तो सीट हाइट का भी प्रॉब्लम करती नहीं स्कूटरी के अंदर। वही इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, तो नॉर्मल एक्टिवा से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, उसमें 162 थी, इसमें दी गई हमें 169 mm की, जो कि काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, और आप इजीली इसको ख़राब रास्तों पर भी ले जा सकते हैं, कहीं से भी टच होने का कोई चांस नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 77062 rupees, 77,062 rupees, 77,062 rupees। और ये एक्स शोरूम प्राइस है, तो ये लगभग आपको
89,000 से 90,000 तक की इजीली पड़ जाएगी दिल्ली में ऑन रोड सिटी। बाकी और शहरों में आरटीओ चार्ज अलग है, तो वहाँ पे प्राइस वेरी कर सकता है, लेकिन ये हमें दिल्ली में 89,000 से 90,000 में ये मॉडल आराम से मिल जाएगा। अगर आपको स्कूटर पसंद आया तो आप इसको आराम से ले सकते हैं, और इसको ख़रीदने के लिए शोरूम की डिटेल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको उनका नंबर, ईमेल और एड्रेस पूरा मिल जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और भी ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।